हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी शालिनी और आज मैं जा रही हूं अपने दोस्तों के साथ में विश्वनाथ टेंपल दर्शन करने। ना ना ना, ये पुरानी वाली विश्वनाथ टेंपल नहीं है, ये नई वाली विश्वनाथ टेंपल है जो कि बिच्चू कैंपस के अंदर है। बिच्चू परिसर यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बिच्चू परिसर में स्थित है। हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो दर्शन करेंगे, वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे, भोले बाबा का आप लोगों को दर्शन भी कराएंगे। आप लोग दर्शन करिएगा, मन्नतें मांगिएगा, हो सके तो आप खुद भी आकर के दर्शन कर लीजिए, बहुत ही आप लोगों को ब्लेसिंग और खुशी मिलने वाली है। तो दोस्तों, पता नहीं क्यों ये ऑटो वाले भैया, जो टोटो वाले भैया हैं, इन्होंने 200-250 मीटर पहले ही हम लोगों को उतार दिया है। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे मंदिर के तरफ, तो आइए चलते हैं। और ये मोहतरमा हमेशा मुस्कुराती रहती है, ये हमेशा मुस्कुराती रहती है। आप लोग ये मंदिर का व्यू देख सकते हो, चारों तरफ आप लोगों को प्रसाद, फूल माला और छोटे छोटे से रेस्टोरेंट टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग अंदर चलेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वीडियो फोटो वगैरह जो होगा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो कि मंदिर के बाहर कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि शाम का टाइम है तो बहुत लोग आए हुए हैं। कुछ लोग दर्शन करने आए हैं, कुछ लोग घूमने आए हैं यहाँ पे, और इसी गेट से हम लोग अभी मंदिर के अंदर आए हैं। लोग मंदिर के चारों तरफ का व्यू देख सकते हो। अभी तो वो पहला गेट था, यहाँ से हमारा दूसरा गेट है। इसके अंदर भी आप लोगों को ये, आप लोगों को लग रहा होगा कि बस यहीं पे मंदिर समाप्त हो जाता है, लेकिन नहीं, इसके अंदर भी आप लोग जाओगे तो इतना ही बड़ा जगह आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अंदर भी। हम बिगाड़ने में मदद करें क्या? जब तक ये रील्स बनाती हैं, चलिए आप लोगों को थोड़ा सा और आगे घुमा देते हैं और आगे का व्यू दिखा देते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं, आप लोगों को दर्शन भी करा देते हैं भोले बाबा का। आप लोग देख सकते हो बाहर से मंदिर का व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आइए अंदर चलते हैं। आप लोग देख सकते हो बाहर से मंदिर का व्यू। दोस्तों, आप लोग देख ही सकते हो कितना सुकून भरा ये दृश्य है। ये व्यू बहुत ही ज़्यादा मनमोहक, बोल लो, ये देखने के बाद सिर्फ दिल में एक ही बात आती है, हर हर महादेव। अभी अंदर चलेंगे, लेकिन बाहर का आप लोगों को टेंपल का व्यू दिखा देते हैं। चलिए दर्शन चलते हैं। आइए दोस्तों, अब अंदर की तरफ चलते हैं। आप
लोगों को भी भोले बाबा का दर्शन करा देते हैं। वैसे मंदिर के अंदर कैमरा और फोन कैमरा अलाउ नहीं है, बट फिर भी पता नहीं कैसे मैंने बना लिया। वैसे वहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है अंदर कैमरा लाना अलाउ नहीं है, फोटो खींचना अलाउ नहीं है, बट फिर भी मैंने कर लिया पता नहीं कैसे। ऐसा तो मैं नहीं करती, बट ये फर्स्ट टाइम था बस आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। आइए और अंदर हम आप लोगों को भोले बाबा का दर्शन कराते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैंने दर्शन करा तो दिया, अब हम लोगों को लग गई है भूख क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से यहाँ पे हैं। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने, और खाने के बाद हम जाएंगे घर। तो आप लोग देख सकते हो बाहर निकलते हुए या फिर बाहर से आते हुए आप लोगों को इस तरीके का शॉप मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग अब होम डेकोर या प्रसाद वगैरह आप लोग कुछ भी खरीद सकते हो, यहाँ से फूल वगैरह भी खरीद सकते हो। और आगे चलेंगे तो हमें कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी और बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी, फ्री में नहीं, पैसे लगेंगे उसके, क्योंकि वो रेस्टोरेंट है, छोटे छोटे से वहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और यहाँ का कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग अब सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ बैठे, क्योंकि ये पूरा सीट फुल है यहाँ के रेस्टोरेंट्स का। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े होकर सोच रहे हैं कि हम लोग बैठे तो बैठे कहाँ। फाइनली हम लोगों को जगह मिल गई। और फ्रेंड्स यहाँ पे खाने का प्राइस 100 के ऊपर जाता ही नहीं है, जब भी रहेगा 100 के नीचे ही आप लोगों को खाने की चीज़ें मिलेंगी, उसके ऊपर मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे जो आप खा लो 100 तक ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को खाने का लिस्ट भी दिखा रही हूँ कि कितनी सस्ती सस्ती यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 100 के ऊपर तो है ही नहीं। स्टार्ट करो तुम लोग। हम लोगों का आ रहा है, तुम लोग खाओ। ये बुक कर पहले ही स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो बेचू आना चाहें तो उनको पता चले यहाँ के खाने की प्राइस क्या है, यहाँ का व्यू क्या है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। टाटा, बाय बाय। हर हर महादेव।